दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बात करते हैं सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी ये 100% प्योर होते हैं, इसमें कोई भी तरह की मिलावट नहीं होती है। आप यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, हम सेमीकंडक्टर सिलिकॉन भी ले सकते हैं या तो फिर जर्मेनियम भी ले सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा जो यूज करते हैं वो सिलिकॉन क्रिस्टल यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलिकॉन क्रिस्टल का एक लैटिस फॉर्म बताया है यहाँ पे, जो कि एक प्योर सेमीकंडक्टर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सिलिकॉन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ शेयर किया है, जिससे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये जितने भी शेयरिंग के साथ फॉर्म हुए ये सारे कोवेलेंट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ शेयर कर रहा है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और ऐसी चेन बनते जा रही है। इसमें कोई भी तरह की इंप्यूरिटी प्रेजेंट नहीं है। इंप्यूरिटी का मतलब है इसमें कोई भी दूसरा मटेरियल एड नहीं किया गया है, ये 100% प्योर होता है। दोस्तों सिंस ये 100% प्योर है दोस्तों, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो वेरी पुअर होती है। हेंस ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। दे आर नॉट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम जीरो टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज करें तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा एज अ इंसुलेटर। एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कंडक्शन इज लेस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सो इंप्यूरिटीज आर एडेड टू इंक्रीज कंडक्शन, हेंस फॉर्म एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर होने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी पुअर था, तो उसमें हम क्या करते हैं, इंप्यूरिटी एड करते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंप्यूरिटीज एड करने की वजह से उसका कंडक्टिंग नेचर जो है वो इंप्रूव हो जाता है और वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। और ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम सेमीकंडक्टर मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग में यूज करते हैं। दोस्तों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ते हैं तो दो डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली आती है डोपिंग और दूसरा आता है डोपेंट। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटी मटेरियल टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू इंप्रूव कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज डोपिंग। क्या है डोपिंग? डोपिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस, एक तरह की प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? जिसमें हम कुछ एक्सटर्नल मटेरियल उसमें एड करते हैं। एक्सटर्नल मटेरियल यानी उसमें इंप्यूरिटीज एड करते हैं। एक्सटर्नल मटेरियल जो हम यहाँ पे बोलते हैं उसे इंप्यूरिटीज नाम दिया जाता है। तो जब हम कोई प्योर मटेरियल में एक्सटर्नल मटेरियल ऐड करेंगे यानी कुछ इंप्यूरिटीज ऐड करेंगे तो उसे उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, डोपिंग। अब ये जब हम ऐड कर रहे हैं तो उस मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव, तो वो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जस्ट सिंपल है कि आप सादा पानी पियो तो आपको नहीं भाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें नींबू नीचो तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा वो खट्टा पानी बन जाएगा। आप अगर सादे पानी में थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे तो थोड़ा मीठा पानी बन जाएगा, तो आपको उसका टेस्ट अच्छा लगने लगेगा। तो ये वैसा ही है। तो सादे पानी को कंसीडर करो कि आपका सादा पानी मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, इंप्यूरिटीज। तो शक्कर हो गया, नींबू हो गया, ये आपके इंप्यूरिटी मटेरियल हो गए। तो जितनी ज्यादा आप इंप्यूरिटी ऐड करेंगे उतना आपका प्रोपोर्शनल बढ़ते जाएगा। पानी में शक्कर मिलाने की जो प्रोसेस है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, उसी तरह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी मटेरियल मिलाने की यानी एडिंग करने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है डोपिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डोपेंट। द इंप्यूरिटी मटेरियल एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू इंप्रूव कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज डोपेंट। कि यहाँ पे जो हमने प्रोसेस में इंप्यूरिटी एड किया था, अब ये इंप्यूरिटी हमारे लिए कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो ये जो इंप्यूरिटी एड करते हैं उसे हम हमारे लैंग्वेज में कहते हैं डोपेंट। अब ये जो डोपेंट मटेरियल होते हैं दोस्तों, ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला मटेरियल है ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी और दूसरा मटेरियल है पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी का मतलब होता है थर्ड ग्रुप एलिमेंट। थर्ड ग्रुप एलिमेंट यानी जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट है ऐसे? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी यानी जो फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट है यानी जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक एक्सेट्रा। ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट ऐसी दो तरह की इंप्यूरिटी होती है। ये दोनों डोपेंट के टाइप है। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर बेसिकली टू टाइप्स, पी टाइप्स एंड एन टाइप। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी यानी ट्राइवेलेंट, अब देखो
प्योर सेमीकंडक्टर में डोपेंट मटेरियल ऐड किया, तो ये जो प्रोसेस है एडिंग का उसे क्या कहेंगे? डोपिंग। और ये जो ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? डोपेंट, क्योंकि ये मटेरियल है, मटेरियल ऐड कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? प्रोसेस। ये प्रोसेस हो जाएंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं तो वो हमें क्या देगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करेंगे तो इस प्रोसेस से हमको क्या मिलेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। कंपैरिजन बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो 7 पॉइंट्स यहां पे कंपैरिजन किए हुए। फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक इज अ प्योर, एक्सट्रिंसिक इज इंप्योर। कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? एक्सट्रिंसिक की। इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी कैसी है? पुअर, बिकॉज़ वो प्योरेस्ट फॉर्म में है। कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की भी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज मोर बाय कंट्रोलिंग द डोपिंग लेवल। जितना आप डोपिंग लेवल ऐड करेंगे उसकी कंडक्टिविटी और बढ़ती जाएंगी। अवेलेबिलिटी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमको नेचुरली अवेलेबल है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है हमको प्रोसेस से मिलता है, यानी हम डोपिंग और डोपेंट प्रोसेस से उसको यूज करते हैं, ठीक है। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जब हम इसको पी टाइप और एन टाइप डिटेल में पढ़ेंगे तब हमको ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं आपको पी टाइप और एन टाइप का और डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नो टाइप्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, एन टाइप पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम प्योर फॉर्म हमने देखे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा मैंने, आपको पता है प्योर सेमीकंडक्टर में हम इंप्यूरिटीज ऐड करेंगे, तो सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस, यानी क्या बन जाएगा हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन विद आर्सेनिक। यूज नॉट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस। आई होप सो दोस्तों कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में अच्छे से आपने नॉलेज लिया होगा। इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको पी टाइप और एन टाइप के कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, एक वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमारे कोई भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स को मिस ना करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।